आगे चल के कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी, बीजेपी बीजेपी रह जाएगी। उनके पास इतने मौके थे, मौके होने के बावजूद भी उनने कोई काम नहीं करा तो फिर कैसे चलेगा? जो होना चाहिए वो कागजी कार्रवाई में है, प्रेजेंटली में नहीं है कुछ भी। कोई ना कर रहा है, वोट लेके चुपचाप घर बैठ जाती है। सारे चार सरगान आ जाते, पूरा हजीरा साफ कर दिया। जरूरत तो है, अभी कितने टाइम से बोल रहे रिसेशन वगैरह चालू हो गया है। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के मलगड़ा चौराहे पर, और यहाँ पर मौजूद है एक रस की गाड़ी, यानी कि यहाँ पर गन्ने का रस जो है वो गाड़ी के जरिए निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो गन्ने का रस निकाला जा रहा है, लोग चाव से उसका स्वाद ले रहे हैं, लेकिन चुनावी रस किस तरह से नजर आ रहा है, सारे नेता मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्या वाकई में गन्ने के रस की तरह वो माहौल भी मीठा नजर आ रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, गन्ने का रस पीने के लिए आप आए हैं, बड़ा मीठा लगता है, कड़वा लगता है? मीठा ही लगता है। नेता अभी जब चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं तो उनकी भाषा कैसी लग रही है? मीठी लगेगी अभी तो। अभी मीठी लगेगी, बाद में कड़वी लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है, हर बार ही होता है, आज का पहली बार है। गन्ने का रस तो सेहत के लिए अच्छा होता है, नेताओं की बोली नहीं होती सेहत के लिए अच्छी, गन्ने का रस ही अच्छा होता है। हाँ, रहते हो आप? मैं मुरैना से हूँ। क्या लग रहा है, क्योंकि मलगड़ा चौराहे पर मौजूद है, यहाँ से मुरैना के लिए रास्ता जाता है, ग्वालियर शहर के लिए रास्ता जाता है, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? पब्लिक मीटर क्या कह रहा है इस बार? इस बार ऐसा ही लग रहा है जैसे बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कारण क्यों? कांग्रेस एक तरह से ऐसा लग रहा है माहौल उसका कि खत्म ही हो चली, आगे चल के कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी, बीजेपी बीजेपी रह जाएगी। उनकी पक्ष का रहना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो क्या बीजेपी कांग्रेस में, क्या मुरैना में ही अगर देखें तो पब्लिक मीटर में क्या लगेगा? मुरैना में ज़्यादातर बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है इतनी। हाँ, क्योंकि आप युवा हैं तो वोट डालना है, वोट डालेंगे? अभी मेरी इतनी एज नहीं है, मैं 17 का हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब इंतजार तो रहेगा कि आप जल्द वोट डालूँ मैं? हाँ, डालूंगा, जरूर डालूंगा। अच्छा, देखिए भैया, जल्द वोट डालेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को वोट डालना भी चाहिए। ये सबको बढ़िया गन्ने का मीठा मीठा रस पिला रहे हैं। क्या नाम है भैया? राम कुमार। राम कुमार, बताइए, आपके नाम में भी राम है और राम के नाम को लेकर बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है, कांग्रेस कह रही है कि राम तो सबके हैं। सबके हैं सर, सबके हैं। क्या कह रहा है पब्लिक मीटर, क्या लग रहा है माहौल? सर आप ही जानो, ये तो माहौल को पता नहीं जाएगा। बीजेपी कांग्रेस को देख के क्या माना जाए? बीजेपी कांग्रेस में आगे सर, आप बोलो, आप ही बोलो, हमें जन्म नहीं जाना, हमने जाना साहब। भैया ये नहीं जानते हैं कि युवा और मौजूद है हमारे साथ, कहाँ रहते हैं भैया? कहाँ रहते हैं? टाटीपुर। टाटीपुर, अरे वाह, ग्वालियर में रहते हैं यानी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल ग्वालियर में? सब बढ़िया है, माहौल क्या होता है? बीजेपी कांग्रेस में कौन आगे लग रहा है, क्योंकि पब्लिक का मीटर घूम जाता है, हार जिता देती है, हरा देती है। वो तो बीजेपी ही जिता रहा है, बीजेपी। बीजेपी का माहौल लग रहा है? कांग्रेस के कैंडिडेट क्या? नहीं नहीं ना, अब तो बीएसपी भी मैदान में आ गई ग्वालियर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो बीजेपी है, वो तो बीजेपी आना है। बीजेपी क्यों आना चाहिए दोबारा से? क्या आ गया भैया, ये पता नहीं है कि बीजेपी क्यों आगे आए, लेकिन इनका कहना ये है कि बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी इस कारण आना चाहिए क्योंकि बीजेपी आने से जो बर्ताव हुआ है और जो आने वाले भविष्य में भी बर्ताव देखेगा वो बीजेपी के कारण ही होगा। और बाकी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक ऐसी कोई उन्नति नहीं करी जो सामने वाली जनता को भी लगे कि हाँ, सामने वाली पार्टी ने कोई वो भी करा है। अब जो जैसे जैसे बीजेपी कर रही है तो जनता को भी लग रहा है कि हाँ, स्मार्ट सिटी हो रही है। मौका तो दीजिए कांग्रेस को, वही तो कांग्रेस करी है, एक बार मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे जनता के लिए। कांग्रेस के पास कितने मौके नहीं थे, कितने सालों से उनकी सरकार थी, बाकायदा उनकी सरकार थी, उनके पास इतने मौके थे, मौके होने के बावजूद भी उनने कोई काम नहीं करा तो फिर कैसे चलेगा? अब सामने वाली पार्टी भाजपा पार्टी है जो अपनी है, उनकी बोलो तो उनने अभी भी बहुत उन्नति कर रही है और आने वाले समय में भी उन्नति ही करेगी। ऐसा उन्नति में आपको ऐसे तो बहुत सारा विकास करा है उन्हें, अब मैं नाम नहीं गिना सकता आपको। मेन चीज जो थे हमारे राम मंदिर, अब वो राम मंदिर आप खुद देख सकते हो कि राम मंदिर बन चुका है, तो जो पुराना इतिहास था वो आज के नए इतिहास में दौर में आ चुका है, तो उसे क्या नहीं कहे, अब उसको उन्नति ही तो कहेंगे। क्या पब्लिक मीटर क्या कह रहा है आपका? पब्लिक मीटर कांटा आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है बीजेपी के लिए? पब्लिक मीटर तो मैं बीजेपी के लिए आगे ही बढ़ रहा है। कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए तो अभी पीछे ही है। पार्टी भी बीच में आ गया चाल लेकर? उसका तो कह नहीं सकते, वो वैसे तो मेरे हिसाब से बीजेपी ही है। देखिए भैया, इनका कहना है कि बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं या आ रहे हैं? समलगढ़ जा रहे हैं। समलगढ़ जा रहे हैं,
क्या लग रहा है चुनावी माहौल में पब्लिक का मीटर क्या कह रहा है? मतलब ना रहा, मेरा कोई मतलब। वोट तो डालते हैं आप? मैं डालता हूं। देखिए भैया, इनका कहना ये है कि वोट नहीं डालते, पर वोट डालिएगा जरूर, क्योंकि वोट डालना जरूरी होता है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर भाई साहब खड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह का आप रोजगार कर रहे हैं, रोजगार को लेकर सभी लोग वादे करते हैं, क्या बदलाव दिख रहा है रोजगार को लेकर? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या झूठे वादे चल रहे हैं? टोटल झूठे वादे चल रहे हैं। टोटल झूठे वादे? किसके झूठे वादे हैं? जो होना चाहिए वो कागजी कार्रवाई में है, प्रेजेंटली में नहीं है कुछ भी। अच्छा, तब भी फिर अगर देखा जाए तो बीजेपी कह रही है हमने काम किया है, कांग्रेस कह रही है मौका दीजिए काम करेंगे। कांग्रेस तो कहती रहती है पर करती नहीं है, पर बीजेपी जो करना है वो थोड़ी बहुत करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है, करती जरूर है। तो फिर ग्वालियर सीट में अगर देखा जाए तो ग्वालियर सीट पर आपका पब्लिक का मीटर जो है वो क्या माहौल दिखा रहा है पूरा? बीजेपी का माहौल नाराज तो आप नजर आ रहे हो, रोजगार का बड़ा मुद्दा राज्य की है पर इतनी भी नहीं है, पर जो होनी चाहिए तो जो है प्रेजेंटली वो होनी चाहिए। इतना बीजेपी से प्यार और कांग्रेस से मौका भी नहीं दे रहे हैं और नाराज भी हैं? अब कांग्रेस ने आगे जो किया है अभी तक तो रिजल्ट नहीं दिखाया, कुछ अच्छे नेता हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि सब खराब हैं, कुछ अच्छे हैं पर उनको मौका नहीं दिया जाता है, तब उनको मौका नहीं दिया वो काम कहाँ से होगा? नेता तो बहुत सारे छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, इसीलिए तो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि जो हाईकमान है हाईकमान ही सही नहीं है तो आगे कैसे होगा? अच्छा, मतलब दोष पार्टी में नहीं है, हाईकमान में? पार्टी में जब मौका छोटे वालों को देंगे तभी तो मौका मिलेगा उनको, मौका ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएगा उनको? देखिए भैया, इनका कहना है कि जब मौका ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा, और बिल्कुल सही बात है, जनता है, जनता का पब्लिक मीटर क्या कहता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ऐसी स्थिति में काफ़ी लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ रहते हैं आप? आजीरे गोस्परनम मर्दो। तो यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं? हाँ आएंगे। ग्वालियर में क्या माहौल दिख रहा है फिर पूरा? ग्वालियर में अच्छा सुख शांति का माहौल दिख रहा है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह रहेगा। बीजेपी का? हाँ। कांग्रेस तो अब कैंडिडेट तो मजबूत उतार दिया उन्होंने प्रवीण पाठक को, चल तो रहा है ऐसा, टक्कर वाली स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो पिछली बार तो 146,000 से बीजेपी जीती थी, ले भी रही थी और अभी भी रहेगी। पिछली बार तो स्थिति गड़बड़ थी क्योंकि 146,000 से जीती थी बीजेपी पिछली बार। अब इतना तो कह रहा अपन को जानकारी नहीं रहा है, अभी देखो आगे क्या होता है, किस्मत का भाग्य है और क्या। लेकिन एक वोट तो भाग्य बदल देता है नेताओं, बिल्कुल बदलेगा, फिर भी टक्कर तो बराबर रहेगी टक्कर। अच्छा, हाँ, लेकिन बीएसपी से ही आएगा, भाग्य का ही खेल रहेगा इस बार भी। नहीं, भाग्य का खेल तो रहेगा लेकिन दोनों ही हारे हुए मैदान में हैं, फिर भी देखो क्या हो सकता है, अब तो समय बताएगा। इस बार चुनाव दोनों हार गए देखो की। हाँ बिल्कुल। देखिए भैया क्या माहौल बनेगा ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ पर एक बच्ची खड़ी हुई है, उनके साथ उनकी माता जी मौजूद है। माता जी नमस्कार। नमस्कार भैया। कहाँ रहती हैं आप? पुरानी छावनी। पुरानी छावनी में वोट डालती है कि नहीं डालती? डालते हैं ना। डालते हैं तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? महंगाई कितनी हो रही है, महंगाई तो इतनी कर रखी है। अच्छा, और नहीं तो बताओ। महंगाई की वजह से नाराजगी किससे? किससे बताएं बताओ। नेता तो सारे बोल रहे हैं कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, हमें चुनाव जिता दो। कोई ना कर रहे, वोट लेके चुपचाप घर बैठ जाती है। अच्छा, लेकिन फिर एक वोट बदल भी सकता है सब कुछ, हार जीत सब बदल जाओ। अब बीजेपी कांग्रेस तो बोली महिलाओं के लिए हमने ही काम किया है, वो तो सब कहते हैं अपने समय के लिए। अच्छा, तो इस बार कोई बदलाव की जरूरत नहीं है ग्वालियर में? बीजेपी आए कि कांग्रेस आए, क्या लगता है? जिसको आना है वो आना, गरीब आदमी तो गरीब ही रहेगा, वो कभी पैसे वाला नहीं बनेगा। अच्छा, तो जो वादे रहते हैं वो झूठे रहते हैं? सब झूठे हैं। देखिए भैया, वादे हैं वो झूठे हैं ऐसा इनका कहना है, बाकी में ये स्थिति है? वो तो है ही है सब स्थिति, सब बीजेपी की सब झूठे वादे हैं, महंगाई कर दी, मजदूर आदमी क्या करेगा, ठेला रेडी लगाओ तो वो हटवा देते हैं, नगर निगम हटवा देती है, हम लोग कहाँ जाए, रोड पे ही लगाएंगे ना क्या? रोड कांग्रेस चुनाव जीती आई ग्वालियर से, तो आप रेडा ठेली लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे, लगाएगी, बीजेपी कौन सा लगवा रही है नगर निगम, अभी चुनाव है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, चुनाव आ सब हटवा देते। नगर निगम में तो कांग्रेस ही बैठी हुई है ग्वालियर में महापौर? अरे तो अभी नहीं हट रहे हैं ना चुनाव, अभी तो चुनाव है, 7 मई तक चुनाव खत्म, उसके बाद रेडी बेडी खत्म और क्या। पिछली बार भी यही हुआ था, सारे चार सरगाना का थे, पूरा जीरा साफ कर दिया। तो क्या फिर माहौल क्या देखते हैं, बीजेपी पसंद है, कांग्रेस पसंद है कि हाथी पसंद है, या कोई तीसरा या चौथा? जो भी आया है वोट तो देना ही है किसी को, वोट तो इंसान हवा देख के देता है। वोट इंसान हवा देख के देता है। एक पूरे युवाओं का ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, देखिए कितनी खूबसूरत स्माइल है इनकी, है क्या नाम है आपका?
प्रसन्न मिश्रा। प्रसन्न मिश्रा कहाँ रहते हो? मैं झांसी का हूँ, यहाँ ट्रिपल आईटी में पढ़ने के लिए यहाँ पे चयन हुआ है। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या चुनावी माहौल लग रहा है पूरे देश में? बीजेपी बोल रही है मोदी की लहर है, कांग्रेस कह रही है इस बार बदलाव की लहर है। हाँ, माहौल तो चुनावी काफी गर्मा गर्म है यहाँ पे। यहाँ पर भी हम लोग तो जैसे बीजेपी के सपोर्टर है। अच्छा, हाँ, बीजेपी के सपोर्टर क्यों है? क्योंकि हमने क्योंकि हमने अपने आसपास में भी देखा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे, और सड़कें काफ़ी बनी हैं, तो वही डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर। डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है, बाकी में लग रहा है कि हाँ, बीजेपी कांग्रेस बोल रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेहतर पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, और ऐसी स्थिति में बदलाव की बाकी में ज़रूरत है। ज़रूरत तो है, अभी कितने टाइम से बोल रहे रिसेशन वगैरह चालू हो गया है, तो वो बोल सकता है यहाँ डेवलपमेंट अभी अभी रोड जाके बन रही है, हम तो सुन रहे थे बहुत टाइम से नहीं बन रही, बोल सकते। हम तो है महाराष्ट्र से, मुंबई नासिक उस एरिया से, तो वहाँ पर तो इतना इंस्टेबल, आपको तो पता ही है शिवसेना और बीजेपी का क्या चल रहा है, तो चेंज होते रहता है, तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट वैसे हो रही है। तो वहाँ भी तो भाजपा समर्थित सरकार है। हाँ, भाजपा समर्थित सरकार हो गई ना अभी, जब से शिंदे ने अपना तोड़ दिया, तो चलते रहता है अभी वो चेंजेस। तो माहौल नजर आ रहा है, मतलब तो काफी वहाँ पर गर्मा गर्मी का है। अच्छा, हाँ, लेकिन हो रहा है सब। क्योंकि ग्वालियर में आप आए, तो ग्वालियर में क्या कैसा लग रहा है काम? बाकी में बदलाव हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले? मतलब जब हम आए थे तब तो सब खराब थे रास्ते, अभी काफी सुधर गए रास्ते, तो काम तो हो रहा है। तो ये विकास बीजेपी को जा रहा है कि कांग्रेस के आंदोलन को जा रहा है इसका श्रेय? अभी वो तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आइडिया तो है नहीं ना अभी तक, थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसने काम किया, उसके बाद बोल सकते हैं ना। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये पब्लिक मीटर में ये युवा हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ हर आयु वर्ग के लोग जो हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बेबाकी से इस बात को रखा है कि ग्वालियर चंबल अंचल का ग्वालियर महानगर, और इस महानगर में मलगड़ा चौराहा जहाँ से कई जगहों के लिए रास्ता जाता है, ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता जो है वो मतदान केंद्र तक है, और हम चाहते हैं कि लोग मतदान करें, हम भी अपील करते हैं कि आप मतदान जरूर करें। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में पब्लिक का मीटर किस तरफ झुकता हुआ नजर आता है, किसे जीत मिलती है और किसे हार मिलती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए lalluram.com।